ये एक छत के ऊपर टेरेस के ऊपर वाटरप्रूफिंग का काम हो रहा है, जिसमें मेम्ब्रेन लग रही है, 3 mm की जो मेम्ब्रेन आती है वो लग रही है। काफ़ी कंपनीज बनाती है ये पर्टिकुलर कोई STP कंपनी की है, बट बहुत सारी कंपनियां बनाती है मेम्ब्रेन, लगभग एक जैसी होती है। इसमें बिटुमिन की लेयर होती है और बिटुमिन की बनी होती है, और यहाँ पे भी यही किया जा रहा है कि पहले एक बिटुमिन की लेयर लगाई जाती है, जो आप देख रहे हो ये बिटुमिन की लेयर है, उसके बाद में फिर अपन इसको इस तरीके से लेइंग करेंगे और उसको ओवरलैप करेंगे। ये यहाँ से यहाँ अराउंड 3 इंच या 4 इंच का इसका ओवरलैपिंग कर देंगे। वॉल पे भी अपन जो गोला बना हुआ है उसके ऊपर तक ओवरलैप करेंगे, और इसके ऊपर फिर एक एक फिट और, जैसे यहाँ कम वॉल है बट ज़्यादा वॉल है, वहाँ एक एक फिट या 9-9 इंच ऊपर वर्टिकल लेकर के, और फिर उसको इंसर्ट करेंगे प्लास्टर के अंदर लगभग आधा 1 इंच का, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसको डबल करने के बाद इसमें यहाँ पे डबल लेयर लगेगी, एक लेयर ये लग गई है, इसके बाद एक दूसरी लेयर और लगेगी, वो इसके पैरेलल यानी इसके परपेंडिकुलर नहीं लगेगी, पैरेलल लगेगी। इसका जॉइंट जहाँ आया है अभी, अगला जॉइंट यहाँ आएगा। इसके बाद इस पे XPS बोर्ड जो आप देख रहे हो, ये XPS बोर्ड है, ये लगेगा डबल लेयर में। डबल लेयर में जब लगता है XPS बोर्ड, अगर इसको हम ये जो मेम्ब्रेन लगा रहे हैं, ये पहली लेयर इस तरह से और दूसरी इसके परपेंडिकुलर अगर लगाएंगे, और फिर उसके ऊपर अगर हम XPS बोर्ड लगाएंगे, तो उस केस में एक जगह कॉर्नर कॉर्नर में हर जगह 12 mm की हाइट यानी थिकनेस हो जाएगी, और फिर XPS बोर्ड कल को क्रैक मार सकता है, और क्रैक होने के बाद यानी क्रैक कब देगा, जब उसके ऊपर कंक्रीट आ जाएगी, कंक्रीट का वेट आएगा, तो एक टाइम के बाद 10-15-20 दिन या महीने के बाद अगर गर्मी है या सर्दी है, तो उस केस में कंक्रीट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कंक्रीट में जैसे ही क्रैक आएगा, वो क्रैक XPS बोर्ड में भी आएगा और कंक्रीट में आएगा, जिससे कि उसके अंदर पानी जा सकता है। तो वो पानी ना जाए और क्रैक्स ना आए, इसके लिए हम पहली लेयर जिस वे में की है उसी डायरेक्शन में सेकंड लेयर भी उसी वे में, इसके बीच में आएगा इसका जॉइंट, तो उस केस में XPS बोर्ड के ऊपर एक्स्ट्रा वेट यानी नीचे का गैप है वो नहीं आएगा, और 12 mm की थिकनेस कहीं भी नहीं आएगी, 3 mm की थिकनेस आएगी, जिससे कि XPS बोर्ड नहीं टूटेगा। कल को अगर किसी को आपको डबल लेयर में मेम्ब्रेन लगानी है और उसके ऊपर अगर आपको XPS बोर्ड लगाना है, तो आपको ख्याल रखना होगा कि आप इसके परपेंडिकुलर ना जाएं सेकंड लेयर में, इसी के पैरेलल में जाएं और इसके मिड में दूसरा जॉइंट रखें इसका, ताकि उसके मिड में जैसे ही आप रखोगे XPS बोर्ड की जो लेंथ है वो इस एक लेयर से ज़्यादा आएगी, तो अपने आप में उधर भी होगा और इधर भी होगा, और बीच में एक स्पॉट और आ जाएगी, जिससे XPS बोर्ड टूटेगा नहीं। ये इसके लिए एक विशेष सावधानी है अगर आप वाटरप्रूफिंग इस तरह का करवा रहे हो। तो इसके ऊपर आप कोई भी कमेंट कीजिए, प्लीज़ बताएं।